गुड, सो लेट अस लिसन टू दी समरी, क्या क्या मेन हाइलाइट्स, खास तौर पे उनकी ओर जहाँ पे कि क्लैरिटी नहीं रही या कुछ डाउट रहा, तो उसको हाईलाइट करते हुए प्लीज ग्रुप नंबर वन। सर ग्रुप नंबर वन में मैं ही हूं ना, दीपक त्यागी। जी हाँ जी, इसमें भारती जी थी, आर के अनुरा डॉक्टर अनुरागी जी थे, जे के शर्मा जी थे और मैं था। तो इसमें भारती जी का ये रहा कि वो किसी कंसल्टेशन के लिए गई और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको परमिशन लेनी थी, जिसमें उनको ब्यूरोक्रेटिक टाइप के किसी आदमी से इंटरेक्शन हुआ और इन्होंने आपने ही सोचा कि पीआरबी मुझे मजबूत करना है क्योंकि मुझे परमिशन लेनी है, तो उन्होंने वहाँ रिप्रेजेंट किया और उनको फुलफिल महसूस हुआ कि मैंने काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट किया है। तो So, what is the pasa, what is the sanya, what is the vedana, what is the sankhara? बस ये रहा। एक बहुत क्लियर इंटेंशन से ही मैं गई थी, ये बताया मैंने, मुझे पता था मैं क्यों जा रही हूँ इस कंसल्टेशन में, क्योंकि इसके पीछे एक स्वार्थ था ऑर्गेनाइजेशन का कि जिस जो चीफ है ये सरकारी एजेंसी के, इन्होंने एक कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज किया है और उसमें मैं जाऊंगी तो एक रिलेशनशिप, अनसीन रिलेशनशिप बिल्ड होगी और जो भी इम्पोर्टेंट लोग है इस संस्था में उनके साथ भी एक रिलेशन, इनफॉर्मल रिलेशन वहाँ शुरू हो सकता है जो डिसीशन पे पॉजिटिव इफेक्ट ला सकता है। तो इस बात को अब हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी फाइव खंडा पैराडाइम। तो ये जो आपने इतना कहा, इसके पीछे क्या पस था, क्या वेदना थी, क्या परसेप्शन था और क्या उसका संस्कार था, क्या उसका इंटेंशन उससे बना? इंटेंशन तो वही था कि एक गुड रिलेशनशिप की बेसिस पे और परमिशन के लिए जो अप्लाई किया है वो शायद पॉजिटिव टर्न ले सकता है, वो मेरी इंटेंशन थी, इसी वजह से मैं गई थी। उस इंटेंशन के पीछे वेदना क्या थी? बहुत ही अनसर्टेनिटी थी, न खुशी की थी और न दुख की भी थी क्योंकि पता नहीं था क्या होगा, मगर वेदना किस आधार पे पैदा हुई? सॉरी, वेदना किसी आधार पे होगी ना, कोई फर्स्ट स्पर्श होगा, कोई विज्ञान जागेगा तब वेदना जागेगी ना। नहीं, उससे चिंता तो थी, सो वो वेदना से ही, वेदना का एक भाग हो सकता है ना कि ब्रेक इट प्रॉपरली ना, आपको यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम, यू गॉट द इनविटेशन, आइदर यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम देयर, आपको इनविटेशन आया, आपने कुछ सुना, किसी ने फोन किया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ फोन किया, नहीं फॉर्मल इनविटेशन था, लेटर आया, आपने लेटर पढ़ा, तो उस लेटर से, पढ़ने से बेसिकली तो आप कहेंगे कि चक्षु विज्ञान जागा, बट इसके पीछे उस लेटर का एक मीनिंग था, है ना? उस लेटर के मीनिंग में ये बात थी कि आप मीटिंग में आइए, तो वो पढ़ के आपको कैसा फील हुआ?
नहीं, वो खुशी हुई मुझे, खुशी हुई, ठीक है ना, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, तो एक माइल्ड प्लेजेंट फीलिंग हुई। अब उस फीलिंग का परसेप्शन जागा कि ये उस जो भी इनपुट था, जो चिट्ठी थी या जो भी था, उसके आधार पर कोई परसेप्शन था कि इधर एक मौका मिला, आपका एक धारणा है उस बारे में कि जाने से एक परसेप्शन है कि लोगों से पर्सनली मिलने से ऐसा ऐसा होता है, परसेप्शन, एंड देन ऑन दैट बेसिस ऑफ परसेप्शन एंड द फीलिंग आपने डिसीजन लिया कि मुझे जाना चाहिए। सो इंटेंशन अरोज एंड दैट इंटेंशन टुक यू टू द मीटिंग, टुक द बॉडी टू द मीटिंग। सो दैट्स हाउ वी ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। Then meeting में क्या हुआ, that will be another interaction, then another series, another, so that's how, in a very simple way, we can try to break it into parts. तो फिर क्या होता है कि लगता है कि सारी चीजें conditionality के कारण ही हो रही है ना, चिट्ठी आई, उस पर कुछ हुआ, उसका कुछ interpretation हुआ, कुछ perception था, उस perception के हिसाब से वेदना हुई, उसके हिसाब से जो है intention बना और action हो गया, bodily action हो गया, and then so that's how we wish to break it into parts, ताकि उसमें मैं का इन्वॉल्वमेंट कहीं क्लियर हो जाए कि मैं कोई इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर्सनली एज एन इंडिविजुअल, एज अ बीइंग हु हैज इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एबिलिटी टू डिसाइड और एबिलिटी टू डू थिंग्स, तो लगता है ना मैं ही तो करने वाला हूँ, तो वो भाव इस तरह से देख देख के धीरे धीरे टूटने लगता है, दैट इज द होल आइडिया। Anything else, Deepak ji, you like to say? नहीं, फिर मैं शर्मा जी का, जेके शर्मा जी का भी बताना चाहूंगा। उन्होंने दो चीज बताई, एक तो उन्होंने बताया कि वो जब जॉब में थे तो प्रोजेक्ट कर रहे थे ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो कि गैलेक्सी के 4000 लाइट ईयर के डिस्टेंस को भी देख लेता है, तो बैकग्राउंड में बता रहे हैं। तो उनका पहला प्रोजेक्ट जो लगाया था लद्दाख में लगाया था, तो आज जब वो ये गूगल को देख रहे थे, फर्स्ट हुआ गूगल को देखा, तो इन्होंने वैसा ही प्रोजेक्ट नैनीताल में लग रहा है, सेम कंपनी और उससे ज्यादा इफेक्टिव टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप लग रहा है, तो इनमें के मन में पर्सन प्लेजेंट वेदना जागी इसकी वजह से। और इनमें उदिता जागी, ये कहते हैं कि मुझे जो संन्या, मेरी जो रिएक्शन है, संखार है, वो मेरा उसमें उदिता जागी। मुदिता, यू मीन मुदिता, 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 यस, जॉय दैट जॉय एट द सक्सेस ऑफ अनदर प्रोजेक्ट, ये जानकर। सेकंड में उन्होंने कहा कि मैं पढ़ रहा था कई लोगों के बायोग्राफी, राजेंद्र प्रसाद जी की, दीनदयाल उपाध्याय जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो मैंने देखा कि जैसे लोग पहले इतने मेरे उनकी सिंप्लिसिटी देखकर पढ़कर मेरा चक्षु विज्ञान जाना जागा और मेरी संन्या जागी कि नहीं, मैंने सोचा कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में ऐसे लीडर क्यों नहीं बिहेव करते आज के परिप्रेक्ष्य में, तो इनके मन में गुस्सा जागा। ओके, नाउ लेट अस ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। बेटी इनको पार्ट ये रहा सर, पहले तो इन्होंने गूगल देखा, तो फर्स्ट गूगल के फर्स्ट से चक्षु विज्ञान जागा, और चक्षु विज्ञान जागने से इन्होंने न्यूज पढ़ी तो इनको प्लेजेंट वेदना हुई ये जानकर कि सेम प्रोजेक्ट में परसेप्शन था इनका कि प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया ना, तो वैसे ही एक सेम प्रोजेक्ट आया है। लीडर वाले जो बात कर रहे हैं, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, लीडर वाले में ये जागा कि गुस्सा जागा, अनप्लेजेंट वेदना हुई कि आज के परिपेक्ष में लीडर ऐसा बिहेव क्यों नहीं करते जैसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आइडियल टाइप का आइडियल थे, सैक्रिफाइस करने वाले थे लोग इस टाइप का। So how do you break it into parts? आज जब इनका चक्षु, शर्मा जी like to do that? Yes sir. बताइए जी सर, चक्षु विज्ञान और शब्द विज्ञान से जो मैंने पढ़ा या सुना उससे जो है मेरी संज्ञा में यह हुआ कि सिंप्लिसिटी
के लीडर्स होने चाहिए, उससे ये बना सिंपल होना चाहिए, सिंपलिसिटी होना चाहिए, उससे ये मेरा बना संज्ञा में आकर के। और जब मैंने न्यूज सुनी या न्यूज पढ़ी, देखा कि अब आजकल कैसे लीडर्स हो रहे हैं अपोजिट में, मेरी संज्ञा विज्ञान से अपोजिट में है, कैसे लीडर्स हो रहे हैं, तब मेरे को खराब लगा। और खराब लगने पर मेरा गुस्सा इसलिए आई कि अपनी गुस्सा आई कि भाई ये किस तरह के लीडर्स हो रहे हैं, जिस देश जो और हम लोग कितनी मेहनत करते थे भाई, ये बात ये करके मेरे गुस्सा जागृत हुई, जिस गुस्सा से थोड़ा सा अनरेस्ट पैदा हुआ शरीर में। जी तो दो चीजें हुई ना जी, पहला हुआ कि आपने एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी पढ़ी। जी जी जी, तो उससे क्या संस्कार जागा उसको पढ़ने से? सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का कितने अच्छे लोग थे, कितने ईमानदार थे, कितने कर्तव्यपरायण थे, परसेप्शन और रिएक्शन को थोड़ा अलग करने की कोशिश करनी है। परसेप्शन और रिएक्शन सर इतना तेजी से दोनों हुए साथ साथ, वो अभी तो हो नहीं रहा, अभी तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक इट अपार्ट, कोशिश कर रहे हैं ना। वो परसेप्शन ही मेरा था कायदे से देखा जाए तो। आपका मैं ये कहूँ जी कि वो पढ़ने से, जैसे मैं समझाऊ क्योंकि आपसे थोड़ा इंटरेक्शन होता रहा है, आपका परसेप्शन ही पहले ही बना हुआ है कि सिंप्लिसिटी इज गुड, और आपने वो पढ़ा राजेंद्र प्रसाद जी सिंपल रहते तो बहुत अच्छा लगा, उससे सिंपलिसिटी परसेप्शन मेरा थोड़ा सा पक्का हो गया। नहीं, उसे कहते हैं कि वो जो आपके मन में भाव अच्छा जागा, तो उसके पहले प्रतिक्रिया ये हुई कि दी संस्कार ये था कि दिस इज व्हाट शुड बी डन। यस सर, यस, संस्कार पहले से बना हुआ था, वन कैन से दैट। परसेप्शन तो पहले ही था, उस परसेप्शन के कारण ही अच्छा लगेगा ना। जी, अच्छा क्यों लगेगा, वो पर्सन मजबूत हो गया अगर किसी, हाँ तो वो जो ये हमारे सोच का तरीका है जी, वो एक धम्म संज्ञा जो है वो जो बनी हुई है पहले ही जी, और उसके कारण प्रिय जागा, वेदना जागी, एंड देन इंटरेक्ट द संस्कार रोज, दिस इज वेरी गुड। सो यू अ सेंस ऑफ आई कांट से राग, बट इट इज अ सेंस ऑफ गुडविल, यू कैन से सेंस ऑफ गुडविल अरोज के हाँ दिस रियली वंडरफुल, सो वट एवर यू, आई मीन डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ प्रेजेंट सेंस। नाउ दिस इवेंट इज फिनिश्ड, या नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स, या नाउ दैट्स अनदर इवेंट, या and that event you have a perception that present political leaders are not up to the mark, yeah, uske karan apriya vedana jagi aur uske karan reaction hua, gussa aa gaya ya irritation hui ya kuch hua, just how we break it into parts na, agar hum usko sare ko simultaneously dekhenge to pata nahi chal pata, that's the way. Okay, डॉक्टर आर के अनुराग जी ने बताया कि कोविड के टाइम में जब सब लोग सफर कर रहे थे तो ये बता रहे थे कि पहले फेज में काफी पैनिक रहा और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन नहीं कर पाए, और सेकंड फेज में काफी डेथ रेट हाई था और लॉ एंड ऑर्डर फिर भी बेटर था, और थर्ड फेज में भी काफी वो रहा प्रॉब्लम रही, तो इन्होंने देखा कि इसमें ये रहा कि मार्केट में जो थी मेडिसिन थी, जो जरूरी चीजें थी उन पर ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, वो मार्केट से काफी वाइप आउट हो गई, तो इनके मन में इसको सोचकर अनप्लेजेंट वेदना जागी कि मेडिक, और इन्होंने ये भी देखा कि उस टाइम में गवर्नमेंट का, एक तो गवर्नमेंट का फैसिलिटी थी और एक प्राइवेट थी, प्राइवेट फैसिलिटी सब बंद हो चुकी थी और उसमें कैजुअल्टी भी हुई, और गवर्नमेंट के लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने, आपने भी गवर्नमेंट में थे तो डे एंड नाइट मेहनत करी, और डे एंड नाइट मेहनत कर उसको बहुत मेहनत करने के बाद
वापस स्थिति आई और काफी सुधार आया स्थिति में, तो जिसकी वजह से इनको सुखद वेदना हुई। तो ये कहते हैं कि परसेप्शन में ये कह रहे हैं कि केवल मेरा ये है कि जैसे कि प्राइवेट फैसिलिटी है उसको आसान नहीं है टैकल करना सब पूरी पूरी स्थिति को, तो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का या गवर्नमेंट फैसिलिटी का होना भी बहुत जरूरी है, इफेक्टिव है, तो जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। और पहली बार उन्होंने डिजास्टर जिन्होंने डिजास्टर को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। तो नाउ लेट अस ब्रेक दिस होल स्टोरी इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। डॉक्टर साहब आप करना चाहेंगे? बात तो सारी इन्होंने रख दी। स्टार्ट कहाँ से करना चाहेंगे? डिपेंड्स ऑन यू वेयर यू विश टू स्टार्ट फ्रॉम। जो पब्लिक में पब्लिक ने ऐसी ऐसी मेडिसिन जो उनके इवेंट तो सारे इवेंट तो हमको क्लियर हो गए, स्टोरी सारी क्लियर हो गई। अब तो हम उसको संन्या वेदना संघार इस पैराडाइम में समझना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी अगर हमारे मानस में घूमता है तो उसके पीछे ये सब चीजें होंगी। अब वो हम कितना देख पाते हैं वो आसान नहीं है, बट जितना हम कोशिश करेंगे बार 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 उतना उतना हमारी दक्षता इसमें बढ़ती चली जाएगी, एंड देन इट विल बिकम ऑब्वियस दैट दिस ड्रामा इज गोइंग ऑन। मार्केट्स में वो चीजें नहीं मिल रही थी जिनकी हमको आवश्यकता थी, उनके रेट मल्टीप्लाई हो गए चुके थे, जो चीज 1200 में मिलती है वो 1800 में। नहीं नहीं प्लीज काइंडली डोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, दैट वी अंडरस्टूड, हम सब भुक्त हो गए उसके, तो इसलिए वो सबको ही पता है क्या हालत थी उस समय और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम उस पे डिटेल में ना जाइए, लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। लेट मी हेल्प, सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम दिस थॉट, फ्रॉम दिस प्लेस दैट यू केम टू नो थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू दिस एंड दैट, थ्रू वेरियस इंफॉर्मेशन, थ्रू हियरिंग, थ्रू रीडिंग, यू केम टू नो कि बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत दिक्कत हो रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी दिक्कत हो रही है, एंड ऑल दोज इंफॉर्मेशन विच यू वॉन्ट टू कन्वे। नाउ वॉट ऑल दैट वॉट यू हर्ड और वॉट यू रेड, all that created and the perception is that this should not happen and therefore an unpleasant feeling arose. And what was the reaction to that? What was the uske jo uske piche jo baad mein sanskar jaga uske andar kuch intention hoga, kuch aversion hoga ya craving hogi ya kuch to hoga na, which resulted in some either vocal action और फिजिकल एक्शन, बॉडीली एक्शन और मेंटल एक्शन। सो मेंटल एक्शन में काफी ज्यादा मेंटल एक्शन रहा, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बेचैनी हुई मेंटल एक्शन में। ठीक है, बहुत गुस्सा आया, ये भी हुआ कि हमें पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना है। हाँ, तो अप्रिय वेदना के कारण, अप्रिय वेदना के कारण मेंटल रिएक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ, गुस्सा भी आया, इरिटेशन भी हुई, बट देयर यू रियलाइज देयर इज नो पॉइंट, किसको गए, कोई है ही नहीं सुनने वाला, तो अपने मन में ही द होल थिंग, होल दैट प्रोसेस अरोज। सो जो भी संसाधन है उन्हीं से हमें काम लेना करना। नाउ फ्रॉम दैट रिकॉग्निशन दैट दिस इज नॉट हैपनिंग, देन अनदर सेट ऑफ थॉट अरोज, व्हाट शुड आई डू एज ए डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, देन दिस अनदर थॉट अरोज, what should I do? I said, no, I should at least serve. People are dying, I should do. Now, based on that thought, some compassion arose. And the perception was, ki wo nahi kaam kar rahe to humko karna chahiye bhai. And that the response to that was, that you worked more. It had a physical output in terms of increased work. Aap logon ne jyada samay diya, jyada kaam kiya, bodily action arose. Because of the intention arising out of compassion. No? So that's how we break it apart. And then you can verify whether it was intention was really compassion or the intention was really
पीछे ही पड़ा हुआ है, सरकार क्या करें, फंस गए. You know, that that there can be so many other reasons. Now, when you do that analysis, then you realize ki wo compassion nahi tha, majboori thi. So it was a kind of aversion, but theek hai, kare ja rahe hain, kare ja rahe hain. So these kind of analysis are extremely important, because jo bahar action hua wo to apparently acha hi tha, but us action ke piche intention kya tha, because mujhe jo asar padega, aur in fact to some extent bahar ka kaam ki quality jo hogi, उसके पीछे इंटेंशन पे डिपेंड करेगा. अगर मेरा इंटेंशन कंपैशन का है, तो क्वालिटी ऑफ द वर्क देयर एंड माय ओन मेंटल स्टेट विल बी डिफरेंट. इफ माय इंटेंशन इज ऑफ हेल्पलेसनेस और अवर्शन, कि भाई प्राइवेट वाले काम नहीं कर रहे, मुझे ही करना पड़ रहा है, देन देयर विल बी अवर्शन, आई विल सफर, एंड द क्वालिटी ऑफ माय आउटपुट विल सफर. सो यू कैन सी दिस यूटिलिटी ऑफ सच काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन डेप्थ. उससे हमें अपने बारे में मालूम पड़ जाता है. हम तो अभी अपने आप को समझना चाहते हैं, ताकि हमारे होलसम टेंडेंसीज की तरफ हम बढ़े और अनहोलसम को ड्रॉप कर सके. सारा आइडिया वही है ना हमारा. थैंक यू. और दीपक जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? जी मैं शेयर करना चाहूंगा सर. हाँ बताइए सर. मैं मुझे किसी आदमी से जरूरी मिलना था. मैं 6-7 दिन बाद बाहर से आया था, तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया 6:30 का. तो मेरे मन में अनप्लेजेंट फीलिंग आई कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा आज का वर्कशॉप. तो मैंने उसको 5:30 बोला. 5:30 जाने के बाद उन्होंने मुझे चाय के लिए ऑफर किया. तो मुझे लगा मन में फिर अनप्लेजेंट वेदना हुई कि मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे जरूरी अटेंड करना है. तो मैंने उनको चाय के लिए मना किया कि नहीं, मुझे जाना है जल्दी. और मेरे साथ एक आदमी थे जिनको मुझे छोड़ना था, तो उनको मैंने रास्ते में ही छोड़ा. मैंने कहा आप यहाँ से कोई भी टैक्सी ले लीजिए और मुझे जल्दी जाना है. तो इस प्रकार मैं वापस जब आ गया टाइम से, तो इस प्रकार मेरी वेदना ये जागी, परसेप्शन कि मुझे अटेंड करना है, मेरी क्लास मिस ना हो जाए. और इसकी वजह से कई जगह मुझे, दो जगह मुझे अनप्लेजेंट वेदना हो रही कि मुझे लेट हो रहा था. तो उसका फिर मैंने इसका एक्शन ये लिया कि मैंने चाय के लिए मना किया. संघ का एकदम रिएक्शन ये रहा कि मैंने, अगर अदरवाइज मैं लेट हो जाता. सेकंड रिएक्शन मेरा ये था इंटेंट कि मैंने उस व्यक्ति को जो मेरे साथ थे उनको भी रास्ते में छोड़ा, उनकी टैक्सी पकड़वाई कि मैं लेट ना हो जाऊं. गुड गुड. सो वी कैन सी हाउ द व्हाट वाज द कांटेक्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टार्टिंग कांटेक्ट क्या था. स्टार्टिंग कांटेक्ट था कि मुझे उस आदमी से मिलना था, जरूरी मुझे काम था. तो फर्स्ट ये हुआ कि मुझे अपना काम था. आपने उन्हें वो चलिए, आपने फोन किया, उन्होंने कहा फोन किया 6:30 का टाइम. आपको इमीडिएटली परसेप्शन, अब उस बात को सुन के जो फीलिंग जागी, अनप्लेजेंट जागी, अनप्लेजेंट हुई. बिकॉज परसेप्शन था कि मुझे 7 बजे तो पहुंचना है. एंड देन बेस्ड ऑन दैट परसेप्शन देयर वाज अ रिएक्शन और देयर वाज अ इंटेंशन एंड अ संखारा, एंड यू सेड नहीं भाई 5:30 कर लो. दैट वाज अ action which come out, which is a vocal action, it come out of it. Yeah. And then you went there, then next event, then that's the next event. When on going there, he offered tea. So that was another event of, again, there was a contact. He heard him say, ki chai pilo. Apne kaha, nahin, mujhe nahin chahiye, mujhe jaldi hai. So you can see that. Chai pine ke baad se phir wohi perception tha, time se pahunchna hai. To wo jo shabd aaye, wo shabd apriya lage, thoda apriya hua. और आपने सोचा कि इसको कहा दिया, साफ कह दिया कि भाई मुझे नहीं पीनी क्योंकि देर हो जाएगी. एंड देन यू कैन नाउ दैट द थर्ड इवेंट, कि आप वापस आ रहे हैं, आपको उनको घर छोड़ना था लेकिन आपको लगा देर हो रही है. एंड देन अगेन दैट सेम परसेप्शन, सेम अनप्लेजेंट फीलिंग, एंड यू डिसाइडेड द रिस्पॉन्स वॉज ओके, वी रिक्वेस्ट हिम कि भाई अपने आप चले जाओ, मुझे जल्दी जाना है. सो यू कैन सी हाउ यू कैन ब्रेक अपार्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच सीम टू बी यू नो सीमलेस. वो लगता है ना वो सारे सीमलेसली हो रहे हैं. हाँ. तो उसको सीमलेसली के डिस्टिंक्ट फ्रेम्स बना रहे हैं, हर एक अलग फ्रेम बना के उसको देख रहे हैं. तो वो लगता है कि वो सब कंडीशनैलिटी से काम हो रहा है. ये मुझे लगता है कि मैंने उसको रोक दिया, मैंने चाय से मना कर दिया, मैंने ये कर दिया, बट एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ वेदना संन्यास इज ऑपरेटिंग एंड देन डूइंग गेटिंग द थिंग्स डन.
वेदना संज्ञा के हिसाब से इंटेंशन जागा, उसके हिसाब से फीलिंग जागी, एंड देन अप्रोप्रिएट थिंग्स केप्ट ऑन हैपनिंग इन सीक्वेंस। तो इस तरह से हम देखेंगे तो विल बिकम मोर एंड मोर अडेप्ट इन ब्रेकिंग अपार्ट अवर डेली लाइफ इन द फाइव खंदा पैराडाइम। तो लगता है फिर वो कि पांच खंडों का ड्रामा अपने आप हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, एंड आई एम अननेसेसरली टेकिंग इट पर्सनली एंड सफरिंग। दैट्स हाउ वी ब्रेक दिस अनत्ता अत्ता भाव जो है ना, इस तरह से ब्रेक। इम्परमानेंस और दुखद हम डिस्कस कर ही चुके हैं। दिस इज द वे वी ब्रेक अपार्ट द सॉलिडिटी ऑफ द इवेंट्स एंड देयर अपेरेंट सॉलिडिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। आप कुछ पूछ रहे थे सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी अभी दिमाग में आया कि ये परसेप्शन पहले हमेशा आता है और वेदना बाद में, या वेदना पहले भी आ सकती है? इट डिपेंड्स, अगर कोई चीज ऐसी है जो आज से पहले मैंने देखी नहीं सुनी नहीं, तो उसके बारे में वो वेदना जो होगी उसके नियर अप्रोक्सीमेशन जो भी मेरी मेमोरी में होगा उसके हिसाब से कुछ वेदना हो जाएगी, और फिर उस वेदना के आधार पर मैं फिर उसका परसेप्शन। मान लीजिए मैं किसी ऐसे आदमी से मिलता हूँ जिसको मैं जानता ही नहीं, पहली बार मिल रहा हूँ, तो मैं उसको देखता हूँ या उसकी वाणी सुनता हूँ तो मुझे लगता है इसकी वाणी थोड़ी सॉफ्ट है, या मुझे प्रिय लगती है किसी कारण से, या उसकी शक्ल में कुछ ऐसा मुझे फीचर दिखते हैं जो मुझे प्रिय लगते हैं, तो देन आई फॉर्म ए एंड काइंड ऑफ ए माइल्ड ओपिनियन बिकॉज फीलिंग प्रिय, वेदना प्रिय जागी तो मुझे उसके हिसाब से एक ओपिनियन बनता है, एंड दैट बिकम्स द संज्ञा। के इट लुक्स टू बी अ नाइस मैन, यू नो व्हेन यू मीट अ समबडी फर्स्ट टाइम यू ऑलवेज एट द एंड यू से ही लुक्स टू बी अ नाइस मैन, hey, he looks to be a very difficult person. How? We have formed opinion on the basis of roop and shabd, that's all. And based on our past memory of how people look like, how good people look like, how difficult people look like, वो हमारी संज्ञा बनी हुई है। उसके आधार पर कोई थोड़ा बहुत element fit हो जाता है, and then we make a quick judgment. And of course, it will change later. We interact with a person more and more and more, then we have a better judgment and better perception of that person. That's how these, so we understand that perception is impermanent based on very limited information we get at a particular moment. And then it keeps on changing with time. So agar hum usko dhyan se dekhte hain, pata chalta hai na, kisi ko aaj keh raha hun bahut acha hai, kal kuch aur hi kehne lagunga, parso kuch aur hi kehne lagunga. So main, haan, theek hai, immediately mujhe, I have to live in this world. So on that basis, I form an opinion and live it, but keep it tentative. Don't hold on to it. Don't stick to it ki yahi satya hai. That is a problem. That is what gets real suffering. Us tarah se hamara kahe is analysis ka fayda hoga. Aisa mujhe mera apna anubhav raha hai, uska fayda hota hai. Okay. Thank you, sir. So we could convert only one group. So should we continue or stop? Ante ji. रोजी ग्रुप टू सर टाइम का अगर कोऑर्डिनेटर बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको भी छोड़ देते, कोई बात नहीं, फिक्स्ड व्यू जाते हुए फिर अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं अच्छा लग गया, आई वुड लाइक टू बी प्रेजेंट यू नो इफ यू आर कंटिन्यू। नहीं बट देयर यू आर बिजी, यू सी दीपक जी गिव अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, उन्होंने चाय छोड़ दी, अपने मित्र को रास्ते में उतार दिया। Priority is clear. That's it. If there is a high priority work, please go ahead. No problem. अच्छा करने लगेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा. We are understanding. No problem. नहीं चलिए कोई नहीं. Group two में कौन थे? दीपक सूरी जी ने बोलना है. हाँ तो जितना precisely आप बोल सके. Try to be as short as possible. Yeah, please. और जो हमारे एक मैंने जो कहा था अपने ग्रुप के साथियों से कि एक इवेंट बताइए और उसको ब्रेक कीजिएगा, और जैसे आपने पहले कहा है इस संस्कार के बारे में, तो हमारे जो जो करंट सेशन है, इससे पहले जो एक दो तीन सेशन हुए हैं उसमें हमने इंटेंशन को ही संस्कार मान लिया है। एम आई राइट इन दैट प्रमाइस कि जो हमारी इंटेंशन है विच गिव राइज टू एन एक्शन,
उसी को हम लिमिटेड वे में लॉन्ग इंटेंशन अलोंग विद द मेंटल फैक्टर्स वो बहुत आवश्यक है. इंटेंशन की क्वालिटी क्या है, होलसम है अनहोलसम है, वो जानना बहुत जरूरी है. हां हां वो भी है, साथ में किया एनालिसिस. जी जी एंड वी डिड दैट एनालिसिस आल्सो. तो जो हमारे ग्रुप में सबसे स्ट्रांग जो रिएक्शंस आए थे, स्ट्रांग जिसका रिएक्शन हुआ वो राजेंद्र जी का ही था. तो पहले उनका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूं, ब्रीफली करूंगा. तो उनको कुछ सज्जन मिले, उन्होंने उनसे कुछ शब्द कहे जो इनको अप्रिय लगे, काफी अप्रिय लगे. और वो सज्जन दोबारा इनके पास आए तो इनके माइंड में वही चल रहा था जो इस आदमी ने मुझे इस तरह से अनप्लेजेंट वर्ड्स कहे हैं. तो उनका एकदम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ और काफी कुछ कह दिया. सो दैट इज द होल स्टोरी अबाउट राजेंद्र जी. अगर मैं इसके फ्रिज उतार दूं तो इसमें ये है कि जो उस आदमी के बले उसके शब्दों, मतलब शब्द का मेन था और साथ में रूप का भी था, संज्ञा जो बनी उसके बेसिस पे इनकी जो एक एवर्जन की टेंडेंसी, एक द्वेष की टेंडेंसी बनी उन शब्दों के प्रति और उस आदमी के रूप के प्रति किसी हद तक, नेचुरली दोनों कंबाइंड थे उसमें. और जब वो दोबारा इनके सामने आया तो उनका एवर्जन एकदम इतना स्ट्रांग हो गया कि बहुत कुछ उसको कह दिया. तो दैट वॉज अनहोलसम संखारा इन अवर ओपिनियन. और इट रिजल्टेड इन ए सिचुएशन जो आपको मैंने अभी रिपीट नहीं करा जा रहा कि वो उनको बहुत कुछ कह दिया उन्होंने. दैट्स एंड ऑफ इट. तो इसको आप कुछ ना और मैं क्या करना चाहूंगा, दैट संखारा मैनिफेस्टेड इन वर्बल एक्शन. वर्बल एक्शन वर्बल अनहोलसम स्टॉप इट. ठीक है आगे नेक्स्ट. अब सुशीला जी का तो इनको बड़ा रखता था कि शीशे में जो अपना चेहरा देखती हैं तो झुर्रियां देखती हैं, गर्दन का जो स्किन लटकी हुई है. तो उनको कई बार लगता है कि ये क्यों हुआ. शी वाज फीलिंग मैंने कहा आपको भी तो कुछ फायदा हो जो इतना इंट्रैक्शन आपसे कर रहे हैं तो आपकी भी नॉलेज अपडेट हो जाए घर की, घर के बारे में. तो इन्होंने कहा कि कभी उनको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, कभी थोड़ा ऐसे मुँह को ऐसे ऐसे करती हैं कि झुर्रियाँ हट जाएं. लेकिन झुर्रियाँ कहाँ हटेंगी, तो फिर बाद में रह तो एजिंग फैक्टर है तो शी एक्सेप्ट इट. तो ये है कि ओवरऑल कोई इसमें कोई बहुत एवर्जन तो रहा लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा. तो बाद में जो है इनकी ये इंटेंशन बनी कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ तो कोई खास रिएक्शन नहीं हुआ कि भई हाँ तो एजिंग फैक्टर है. इंटेंशन थी कि इसको एक्सेप्ट करना है बिकॉज ऑफ एज. तो इसमें कोई जो जो हल्की सी इनकी दुखद संवेदना थी उसको उन्होंने इंटेंशन और परसेप्शन को मिक्सअप तो नहीं कर रहे. नहीं परसेप्शन तो अच्छा ओके जल्दी में मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ क्या. तो पहले तो उनको रूप देखा इन्होंने. क्या आप बोलना चाहेंगे क्या मिक्सअप कहाँ हो रहा है. जैसे आपने शीशे में रूप देखा वो अप्रिय लगा, अप्रिय वेदना हुई. अप्रिय क्यों लगा, क्योंकि आपका एक परसेप्शन है कि ऐसा होना चाहिए आदमी को. वन आर अ पर्सन शुड लाइक दिस एंड देयरफॉर झुर्रियां नहीं होनी चाहिए. जवानी का जो चेहरा जो वो लुढ़क गया है. अरे भगवान झुर्रियां से आ रही है. तो मतलब एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ये पता बड़ी होनी सब चीजें होंगी. नहीं देख लेट मी एक्सप्लेन इट, लेट मी पुट इट इन देता नहीं ऐसी बहुत नहीं कोई ऐसा. लेट मी एक्सप्लेन इट तो आप विचार करके देखिएगा कि शीशे में देखा कि झुर्रियां हो रही हैं तो एक परसेप्शन है कि झुर्रियां ठीक नहीं है. ओके ये परसेप्शन है ना कि झुर्रियां ठीक नहीं है और देयरफॉर देयर वाज अनप्लेजेंट वेदना हुई. फिर मन में भाव जाकर कि क्या कुछ कर सकते हैं इन पर झुर्रियों के बारे में, तो विचार जाएगा ना कर तो कुछ नहीं सकते. तो फिर एक परसेप्शन जाएगा कि अच्छा है ये इट्स एजिंग प्रोसेस. सो दैट इज अ परसेप्शन दैट एजिंग रिजल्ट्स इन रिंकल्स. सो दैट परसेप्शन चेंज ऑफ दैट परसेप्शन कॉज्ड रिडक्शन इन द अनप्लेजेंट वेदना.
एंड रिजल्टेड इन एक्सेप्टेंस और इट इवेंचुअली इट विल बिकम न्यूट्रल. क्या है तो ठीक है प्रकृति का नियम है. इट विल एक्चुअली बी एम्बैरेसिंग अगर आप जब जवान होने लग गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. लेकिन इसके बाद मेरे मन में ये भी आया कि जैसे मैंने कोई मतलब जैसे मैं देखी डेड बॉडी पड़ी हुई मैं देखती हूँ बिल्कुल स्ट्रेट होती है कोई जुड़िया नहीं होती है ऐसा. फिर मैं जब भी ऐसी कल्पना करती हूँ मैं भी मर गई हूँ और मेरे प्राण वायु निकल गई है और एकदम आपको याद नहीं लगता है कि यही आपको याद ही नहीं है. आप मुझे याद है मेरी माता जी कैसी दिख रही थी आपने ध्यान से देखा नहीं. सो लेट्स फॉरगेट दैट. वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स सो दैट शुड बी द वे अंडरस्टूड. ओके और अपना दीपक नेक्स्ट. वैभव का था एक्सपीरियंस जब उसने पहला शिविर किया 10 दिन का तो उसको एक एक स्ट्रांग परसेप्शन बन गया कि ऑल बॉडीली एक्सपीरियंस आर दुखास. और जब वो कहा गया कि खाना एक टाइम मिलेगा तो उनको लगा कि ये भी एक मतलब मैं इसको खाने को ना ही खाऊं तो अच्छा है या कम खाऊं तो अल्टीमेटली है तो सब दुखी. तो एक एक इनका परसेप्शन ऐसा बन गया कि ना खाऊं तब भी ठीक है और बॉडी का तो सब दुख ही दुख है. लेकिन अभी इनका लेटेस्ट परसेप्शन इनका चेंज हो गया with exposure to our sessions and dhamma discussions, तो इनका perception बदल गया. तो अब इनका perception है body के बारे में कि ये एक instrument है for which is to be used for advancement in the path of dhamma. और इस instrument की care करनी है तो इसलिए खाना जरूरी है. तो ये इनका perception change हो गया. हाँ but now we have to see उस perception का जो change हुआ वो उस पर change होने के perception कारण जो संस्कार है क्या चेंज हुआ क्या और जो पहले जो परसेप्शन था उससे कैसी वेदना होती थी और कैसा संस्कार जागता था. अब जब परसेप्शन चेंज हुआ तो कैसी वेदना होती है कैसा संस्कार जागता है उसी भोजन के प्रति है ना. हाँ तो भोजन के प्रति तो एक न्यूट्रल सा है ना जी कि भी हमने खाना है अपने आप को उनकी बात आया हो तो ठीक है नहीं तो उनसे पूछ लेते हैं. वैभव हो तुम यही? यस सर. यस हाँ बोलो बेटा. हाँ सर बेसिकली मैंने शेयर किया कि पहले मेरा स्ट्रांग परसेप्शन बना बॉडी के प्रति कि ऑल एक्सपीरियंस आर दुखा अनप्लेजेंट वेदना थी साथ में एंड उसके बाद उसको इंटेंशन ये जागा कि डोंट बॉदर अबाउट इट और वो बॉडीली मैनिफेस्ट हुआ कि डोंट नॉट ईटिंग टू मच like not it only eating once a day. So intention was like don't bother about this. And the second perception jaise sir ne kaha ki jab change hua ki body as a vehicle to then the intention was it has to be taken abhi bhook lagti hai to the intention is ki it has to be taken care of. Now wo bodily manifest hota hai kuch khane mein. So, is there a noticeable change in Vedana? Yes, sir. With respect to jo bhook ki Vedana hai, to wo to same hi hai. Jaise pehle khana nahi khana hai, aur ab khana kha lena hai. Ye perceptional change ke karan kya Vedana mein kuch farak pada on seeing the food? पहले जैसे फूड आप देखते थे तो लगते थे यार क्यों खाना पड़ रहा टाइम वेस्ट हो रहा है कम खा लो. सो दैट वाज बिकॉज़ द परसेप्शन वाज तो इट्स नॉट नेसेसरी बॉडी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर द रिस्पांस वाज कि जितना कम से कम काम चलता उतना खा लो. यस यस सर आई हैव सीन दिस परसेप्शन चेंजिंग इन रिसेंट डेज इटसेल्फ कि जब ये चेंज हो रहा था तो पहले तो जब खाना पड़ मतलब शुरू किया तो थोड़ा सा अनप्लेजेंट ही था बट मतलब खाने को देख के भोजन को देख के अनप्लेजेंट ही वेदना थी तो नॉट कंप्लीट चेंज इन संन्या बिकॉज. और फिर धीरे धीरे जब संन्या में काफी चेंज आया तो अभी वेदना इट्स न्यूट्रल इट्स बस उसको खाना इट्स नॉट it's not unpleasant. Bhojan ko dekhe unpleasant vedna nahi. It's neutral now.
सर म्यूट पे ओके थैंक यू दैट्स एनीथिंग एल्स यू वांट टू से दीपक अनम्यूट कर लो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एम आई ऑडिबल नाउ हाँ तो चिराग का एक्सपीरियंस है वो भी मैं ब्रीफली कहता हूँ आपसे शेयर करता हूँ कि इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स का शायद इसका भी कभी पहले रहा हो कि नाथ द्वारा में जो डाइटी हैं उनके बारे में बड़ा उनको लगता है कि बड़ी उनसे उनकी उनको उनसे प्रेयर करके हमारे काम सिद्ध हो जाते हैं तो इनका एक इशू था कि यूके के वीसा के लिए इन्होंने अप्लाई किया है और इनके शायद पेरेंट्स ने भी किया है और यूके में चिराग की सिस्टर रहती हैं तो उनके पेरेंट ने कहा कि जो ही हमारा यूके का वीसा आएगा तो इसमें नाथ द्वारा के जो डाइटी है उसकी कृपा रहेगी तो हम लोग दोबारा जाएंगे हालांकि एक महीना पहले सब हो के आए हैं तो उन्होंने उसके फादर ने बोला कि हम नाथ द्वारा दोबारा जाएंगे क्योंकि वो अपना ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करेंगे बाई फिजिकली प्रोस्ट्रेटिंग बिफोर द डाइटी तो इनको अब लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम इनका परसेप्शन चेंज हो गया शायद पहले इनका परसेप्शन अपने पेरेंट के कन्फर्मेंट भी होगा अब क्योंकि एक्सपोजर हो गया है तो इनको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है नाथ द्वारा हालांकि एक महीना पहले भी गए हैं तो इनको एक अनप्रेजेंट सी फीलिंग हुई जब उनके पापा ने बोला कि नाथ द्वारा जाएंगे और परसेप्शन क्योंकि चेंज हो गया विद एक्सपोजर ऑफ धम्मा सेशंस और इन्होंने फिर उसका माइल्ड सा उसका रिएक्शन दिया कि पापा हम जो है यहीं आसपास किसी मंदिर में चले जाएंगे ना जो भी डाइटी होंगी जहाँ आप चाहोगे ले जाएंगे आपको वहाँ जाके हम वो उसको भी उनका भी तो रोल रहेगा ना मैं यू का भी से तो ये उन्होंने कहा कि इस तरह से उन्होंने मतलब विद एक्सपीरियंस उनका रिएक्शन जो है उतना स्ट्रांग नहीं हुआ एक एवर्जन तो था लेकिन इंटेंशन में जो है इंटेंशन भी एवर्जन मतलब एवर्जन था लेकिन उसमें जो उसका एक्शन जो है वो माइल्ड रहा तो दिस इज बिकॉज ऑफ विच आई कंक्लूड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू दिस धम्मा सेशन वी आर हैविंग Change of perception about the for that particular activity. Okay. Anything else? मैं अपना वैसे तो mild सा है बाकी मेरा भी कोई मेरा mildly positive था कि वो गौरव है वहाँ आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में तो कहते रहा था कि अब मम्मी की डेथ के बाद आ जाओ ना आपको चेंज हो जाएगा तो किसी और को होता तो शायद लगता कि हाँ चले जाऊँ मैं मुझे आई एम रिलक्टेंट कि मैं यार जाऊँगा तो मेरे जो सेशन है जो मुझे इतना अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं और मोटिवेट भी करते हैं कि मैं धम्मा की तरफ आगे बढ़ूं तो मैं रिलक्टेंट हूँ जाने के लिए तो ये जो इंसिडेंट है उसको मैं यही कहूँगा कि ये एक होलसम संखार आया है जो मेरे मन में इवॉल्व हुआ है तो उससे मैं अभी जाने का डिसीजन नहीं ले रहा मैं दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग तो उसको तोड़ के बेसिकली जो इंटेंशन है उसके बारे में कह रहा हूँ कि हाँ तो उसके इंटेंशन की बेसिस होती है ना कुछ फीलिंग होती है फीलिंग परसेप्शन होता है और तो उसमें यू सेड इट ऑल बट आई जस्ट वांटेड टू रिमार्केट देयर इज अ परसेप्शन दैट अटेंडिंग सेशंस इज गुड दिस इज अ परसेप्शन एंड सो इफ द इनविटेशन कम्स यू फील यार जाना नहीं चाहिए सो इट क्रिएट्स इट्स अ बिट ऑफ अ mildly unpleasant thing that somebody is saying you come which you don't want to go but because the perception is of the kind I should not go but then realize ki ha you can see the sankhara which is there the action which is emerging is this is also a decision na it is a sankhara that I say we'll delay going till this sometime or whatever action you position so we break it into these parts to fir wo मैंने डिसीजन लिया ये भाव जो रहता है ना हमारा दैट बिकम्स सॉफ्टन्ड ये डिसीजंस जो हैं ये परसेप्शन के कारण हुआ परसेप्शन से जो फीलिंग जागी उस फीलिंग के कारण ये डिसीजन हो गया ओके लास्ट सर एक सेकंड मैं आई से सम सॉरी हां प्लीज नो नो मैम आई विल से आफ्टर यू से नहीं प्लीज प्लीज एक्चुअली आई हैव मैम के क्वेश्चन को थोड़ा सा रेफर करेंगे आपका डिस्कशन चल रहा है प्लीज गो ऑन ओके सो बस एक छोटा सा डाउट था कि
आई वॉज नॉट क्लियर कि मेरा परसेप्शन क्या था उस वक्त, बिकॉज थोड़ा सा आई कुन पिन पॉइंट, बिकॉज जो मेरी प्रतिक्रिया हुई कि क्या जरूरत है, वी कैन गो समवेयर क्लोज बाय मुंबई में, सो आई वॉज नॉट क्लियर कि क्या परसेप्शन था मेरा कि मैंने ऐसे बोल दिया, बिकॉज ऐसा भी नहीं था कि हम लोग जाते रहते हैं टेम्पल में, तो ऐसा भी नहीं है कि आई वुड नॉट वॉन्ट टू गो एंड पे रिस्पेक्ट, वी जस्ट वेंट समटाइम बैक, तो आई थिंक समवेयर की ऐसे बार बार करना, मे बी दैट वॉज द परसेप्शन की वो फ्यूटाइल, आई वॉज नॉट क्लियर दैट यू हैव टू फाइंड आउट. That you will decide. It could be that कि बार बार जाने क्या जरूरत है. Second that your parents को नाराज भी नहीं करना चाहिए ना. That also is a perception, very strong. Yeah. And then okay, we find a middle path. Some कुछ भी middle path निकाल लेते हैं. So that these are the kind of series of perceptions which operate, and then appropriate whatever action happens on that. कुछ चीजें हमारे को बिल्कुल दिख जाती हैं, कुछ दिखती नहीं और छिपी रहती. तो वो जितना हम उसको और बारीकी से देखेंगे तो पता चलने लगता है कि ये भी शायद कहीं पे भाव था, ये भी भाव था, एंड देन वी बिकम मोर एंड मोर अडेप्ट इन सेग्रीगेटिंग देम आउट. और उसमें से कोई परसेप्शन हमको लगता है इन ड्यू कोर्स चेंज करने की जरूरत है, देन सो बिहाइंड माय रिएक्शन देयर वर मल्टीपल परसेप्शंस दैट वर एट प्ले हैपनिंग. या there may be perception about the going, perception about father, mother, and perception about whether this is ye sachmuch mein koi farak hi padta hai ki nahi, aise dating pe jaake namaste karne se visa milta hai kya, you know, there can be a perception behind that also which you may not like to surface easily because it challenges the devotion, you know, that there are so many things. So if for a moment it felt like aise 50 perception upar aa gaye ek fraction of a second mein. Yeah, so when there are the things are happening so rapidly that the more you become perceptive, the more you become sensitive, you see the arising of so many things simultaneously. Ab agar sensitivity zyada nahi hai to gross cheez pakad mein aa jati hai, sensitivity badhti hai to subtle cheeze bhi pakad mein aane lagti hai. Okay, thank you sir. Okay. Then I think it's getting late now. So sir, एक सेकंड सर, वो आंटी जी ने जो बोला था वो ये बोला था कि उनको देखा और देखती है किसी मरे हुए व्यक्ति का, उनको ध्यान आता कि उनको कोई रिंकल नहीं है, तो इज दैट समथिंग कि मरणानुस्मृति या फिर यू नो लाइक आपका ये जो शरीर के लिए प्रति आपका वो जो चिपकाव है उसको कम करने का वन ऑफ द वे, नो नॉट अ फॉर्मल वे जो बुद्धा ने बिल्कुल वैसे बताया, लेकिन बट दैट इज आल्सो काइंड ऑफ यू नो शी इज ट्राइंग टू रिकलेक्ट बॉडी इज यू नो वो डेड होगी और वो उसको क्या जरूरत है झूरी वूरी की, सो देन दैट इज आल्सो वे ऑफ यू डिडंट लिसन टू हर केयरफुली ना. That shows you didn't listen to her carefully. She said she saw a dead person and the person probably had wrinkles later and after death it was not there. Yes. Which is obviously not correct. Then it's a wrong perception. No, that's okay. I don't say wrong perception or wrong evaluation of this Rupa Sanya or memory, basically memory of that. So we don't get into that here really. Okay. Because that I'll give her the examples and clarify. Okay. I thought. I think it's already. But the question actually what came to my mind was कि कभी कभार हमारा जो action होता है like हम हमारे को इतना segregate करके नहीं होता like अभी क्योंकि हमारी understanding बहुत वो नहीं है develop नहीं है और इतना segregate करके नहीं देता, but at the end of the day मतलब at the end of the event या कह लीजिए जो movement है उसमें you are thinking something wholesome out of it. It is not the unwholesome thing which is coming from that thought. Maybe she is not clear, she is deluded for a second. So then what is that? How do you place that in what category? Lack of mind. For that you need to have knowledge. Lack of mindfulness, lack of samadhi, distracted mind, so many things are there. No? Jitne bhi humare nivaran hai, wo yehi to karte hai. They prevent us from seeing the truth. That's the point. तो इस प्रोसेस से द मोमेंट जैसे जैसे हम पांच खंडों के प्रति
लोभ राग द्वेष मोह कम करते जाएंगे, खासतौर पे मोह कम करते जाएंगे, उसका आत्ता भाव कम होगा, अनिच्छ दुख अनात्म भाव पुष्ट होता चला जाएगा, देन वी विल बी एबल टू सी दीज एज अ प्रोसेस। अभी तो मैं कहता हूँ इट इज अ प्रोसेस, लगता थोड़ा ना प्रोसेस है, लगता है मुझे हो रहा है, तो दैट प्रोसेस हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स सो दैट वी कैन एक्चुअली फील इट इज हैपनिंग लाइक दैट, यू नो, इट्स अ फेल्ट एक्सपीरियंस। अभी तो फेल्ट एक्सपीरियंस है कि किसी ने कुछ कहा, मैंने कुछ कह दिया, नाउ बिकॉज वी डोंट सी the mechanism by which the reaction occurred, उस mechanism को देखने से फिर पता चलता है कि ये जो है इसमें मैं तो था ही नहीं इन्वॉल्व, ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गई एक तरह की, ऐसे perception था मेरा, ऐसी वेदना हुई, ऐसा रिएक्शन हो गया और ऐसा मैंने बोल दिया, कह दिया, सुन दिया। Now when you see it again and again and again, then you realize कि अच्छा ये वाला जो मेरा tendency है which is actually a result of repeated reactions of that kind, जिसे हम कहते हैं ये मेरा गहरा संस्कार है, उसका मतलब क्या है कि मैंने बार बार गुस्सा किया, बार बार गुस्सा किया, तो आदत बन गई, वो इट बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट टेंडेंसी ऑफ द माइंड, कि जरा भी अनप्रेजेंटनेस होगी तो उस तरह का रिएक्शन होगा। तो अगर मैं उसको तोड़ तोड़ के देखूंगा और उसको जहाँ पे उसका उद्गम हो रहा है उसको देखूंगा, तो वो टेंडेंसी कटनी शुरू हो जाएगी। सर प्रोसेस के लिए जब मैंने सुबह जब मैंने एग्जाम्पल देखा तो मैंने अपने आप में पाया कि मैंने जो डिसीजन लिया टू पिक पॉली फ्रॉम हर प्लेस टू दिस प्लेस, देन इट वाज इट हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट टू अटेंड माय सेशन पीसफुली, सो देयर वाज अ मैं अत्ता आल्सो इन्वॉल्व, माय थॉट्स आल्सो इन्वॉल्व बट इन अ होलसम मैनर, तो देन व्हाट हां 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 ओके सो यू नो इट and then no sir sir then atta wali baat to fir wahi pe aa gayi na, fir atta means the very fact that you are able to recognize atta is the way to getting to anatta, you can't but I have no problem with that atta, that is the real problem, I have a problem yes ha so that is the real problem, so when that problem will occur, so you have to understand, that atta is a cause of suffering, agar humko wo nahi samajh aayega to kya burai hai सर, मेरे को यहाँ पर तो फायदा हो रहा है ना सर, जब मेरे को यहाँ पर फायदा हो रहा है तो मैं सत्ता को छोड़ दूँ, ये इसी को कहते हैं कि ग्रेटिफिकेशन देखना फिर उसमें डेंजर देखना, you have to see the gratification here and what is the danger here and then you will be motivated to escape from that, so think about it कि भाई हाँ ये उससे मुझे अच्छा लगा, अब उस अच्छे लगने का आगे खतरा क्या है उसमें, उसको देखना पड़ेगा ना भाई। जब हम कोई राग से प्रेरित होकर कुछ काम करते हैं, वी गिव अ वेंट टू अवर लस्ट, इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग, बट देन वी सी इसमें डेंजर कितना है भाई, तभी तो उससे छूटेंगे, नहीं छूटेंगे क्यों, अनलेस वी सी द डेंजर इन अवर संखाराज वी विल नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ देम, that is the key so, and wholesome mein to clear badi clear and wholesome to clear ho jata tabhi to kaha tha bhagwan ne wholesome mein to aa hi nahi raha mere ko to pichli baar humne baar baar chant kiya tha baar baar main kehta raha bhagwan jo pithi teaching thi look at the pleasant feeling as painful ab ye dekho na kya keh rahe hain look at the pleasant feeling as painful painful feeling as a dart neutral feeling as impermanent, that is the crux of the whole teaching, whole process of practice, वही तो हम कर रहे हैं बार 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 करके confirm हो जाएगा कि हाँ अत्ता भाव अच्छा नहीं है, दुखी देता है, so that is what you have to really verify again and again, एक बार में नहीं हुआ दूसरी बार किसी और example पे आ जाएगा, फिर किसी और में देख लेंगे, then we do it again, किसी example में नहीं मालूम पड़ता कोई बात नहीं, then we try another, then we see another, and if you discover ki bhai atta bhav is really wonderful, then please share it with us and we will be happy. Yes sir, I will go to tell you sir, indeed. Okay, thank you.